दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना पुलिस की स्वतंत्रता दिवस के दिन चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाश से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के रुकने का इशारा करने पर चेकिंग कर रहे पुलिस कर्मियों पर फायर कर भागने लगे। पुलिस ने पीछा करके कनाव वाली पुस्ता पर जाकर घेर लिया और पुलिस की जाबाजी कार्यवाही में एक गोली बदमाश की टांग पर जा लगी और बदमाश घायल हो गया, जबकि बदमाश का एक साथी मौके पर फरार हो गया। घायल बदमाश के कब्जे से घटने में प्रयुक्त एक लूटी गई बाइक, लूट के दो मोबाइल, अवैध हथियार बरामद किए गए। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरी घटना, कितना इनका अपराधी की तादाद है? यार शाम तकरीबन 8:30 बजे की बात है और हिंडन बैराज के पास में पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक दो व्यक्ति सवार थे, वो वहाँ से गुजरे, पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया चेकिंग के लिए, तो वो भागे और जवाबी फायरिंग एक्सचेंज हुआ, जिसमें बदमाश को एक बदमाश भाग गया और दूसरे बदमाश के दाहिने पांव में गोली लगी। हमारा एक सिपाही है, उसके भी दाहिने हाथ में फायरिंग हो गया। बदमाश का नाम है शोरा सनफ हसरा, ये जिला संभल का रहने वाला है और इस पे एक दर्जन से अधिक लूट आदि के मुकदमे हैं। हमारे क्षेत्र से दो मुकदमों में लूट के मुकदमों में वांछित हैं और एक शारजा क्षेत्र से जहाँ से इसने लूट पाई। बदमाश के पास से क्या क्या बरामद हुआ? बदमाश के पास से दो लूटे हुए मोबाइल, एक स्पोर्ट्स बाइक जो कि उसने शारजा थाना क्षेत्र से लूटी थी और एक कमान चला। इस टीम का नेतृत्व हमारे से जो इंदिरापुरम और चार चौकी इंचार्ज द्वारा किया।